हे गाइस, फिर आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में मेरे पास है ब्रांड न्यू लावा Z1S। आप सभी ने यही सोचकर खोला होगा कि मैं इस वीडियो में लावा Z1S के बारे में बताऊंगा, तब भी मैं काफी फिजूल वाली बातें करता जा रहा हूँ। खैर दोस्तों, मैंने इस फोन को लगभग एक हफ्ते तक यूज किया है। जितना मैंने एनालाइज किया, एक्सपीरियंस किया, आपको भी एक्सपीरियंस करवा दूंगा, बट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको भी समझ में आएगा इस फोन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो गाइस, पहले कर लेते हैं इसी बॉक्स को अनबॉक्स। यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल वाला ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है। नाउ आपको फोन मिल जाता है, फिलहाल लगते हैं इसको साइड में। एंड गाइस, यहाँ पे आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में चार्जिंग केबल मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एक 5 वाट का चार्जर दिया गया है। एंड एक बैटरी मिल जाती है 3100 mAh के साथ में। आपको इजेक्टर पिन नहीं मिलता है, उसका मतलब दोस्तों इस फोन का बैक पैनल जो है वो रिमूवेबल है। एंड इसमें आप देख सकते हैं 2 सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड काफी आराम से लगा पाएंगे। एंड दोनों ही सिम आपको नैनो सिम यूज करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, इसमें जो एक्सपेंडेबल मेमोरी है वो 256 GB तक दिया गया है, ज्यादा नहीं है। खैर, हम कुछ वारंटी और रिप्लेसमेंट की बात करें तो आपको इस फोन का 100 डेज का फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है। अगर आपका फोन कहीं डैमेज वगैरह हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन आप लावा के साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। एंड इस फोन का जो है आपको 1 साल का वारंटी दिया जाता है। एंड इसके जो एसेसरीज हैं उसके 6 महीने की वारंटी दी जाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये फोन एयरटेल एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब मैं बता दूं तो ये फोन दोस्तों है ना, जो एयरटेल के द्वारा लॉक कर दिया गया है। विदाउट एक सिम, मिनिमम एक सिम तो आपको एयरटेल का इस फोन में लगाना ही है इस फोन को बूट करने के लिए। एंड ये नहीं दोस्तों कि एक बार सिम लगा दिया, मतलब यूज कर लिया, फिर निकाल के दूसरा सिम लगा दिया तो ये फोन खुल जाएगा। फिर से विदाउट एयरटेल सिम अगर ये फोन पाया जाएगा तो ये फोन में कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। एंड फर्स्ट टाइम विदाउट एयरटेल सिम आप इस फोन को बूट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह का मैं इसको डिसएडवांटेज ही लेके चलता हूं, क्योंकि अगर किसी के पास 2 सिम है, दोनों ही एयरटेल के नहीं है, तो बेफालतू में एक सिम एक्स्ट्रा जबरदस्ती ही लेना पड़ जाएगा। तो एयरटेल एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि दोस्तों इस फोन में एक मिनिमम एक सिम एयरटेल का तो मैंडेटरी कर दिया गया है। बट एक फायदा दिया गया है एयरटेल के द्वारा कि ये फोन वैसे नॉर्मली दोस्तों 5200 का मिलता है, आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं। बट दोस्तों, अगर एयरटेल एक्सक्लूसिव वाला लेते हैं तो गाइस आपको 200 कम देना पड़ेगा। नाउ सारी इधर उधर की बातों को हम लोग हटाते हैं, बात करते हैं नाउ अब इस फोन की। बात करें इस फोन की बॉडी की तो पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है। एंड दोस्तों, पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पीछे छोटे छोटे लाइंस आपको देखने को मिलेंगे लिटिल लिटिल। एंड उसको रब करने पर कुछ इस प्रकार की साउंड भी आपको सुनने को मिलेगी। एंड दोस्तों, ये जो पीछे की बॉडी है ना, वो फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है, मतलब थंब इंप्रेशन नहीं आता है कितने बार भी आप टच करें इस फोन को। एंड गाइस, वहीं पीछे की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा ही दिया गया है विद फ्लैश। बट जो कैमरे का सेटअप है वो इस फोन के पूरे ओवरऑल लुक को काफी ऑसम बना देता है। एंड वही फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको एक कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का। पर दोस्तों, एक काफी यूनिक बात बताऊं तो फ्रंट में भी आपको एक फ्लैश दिया गया है। इन हैंड फील की बात करें तो ये फोन काफी ज्यादा छोटा है। हैंडी मैं इस फोन को पूरा फुली कहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप एक उंगली की मदद से पूरा स्क्रीन का हर एक पार्ट टच कर पाएंगे। एंड दोस्तों, इस फोन का जो वेट है वो काफी लाइट वेट है, 187 ग्राम का सिर्फ आपको मिलता है बैटरी के साथ में। वही फ्रंट में आपको 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, बेजल्स भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड काफी ज्यादा बेजल, 16:9 का आपको डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। आपके फोन के कैमरे में 16:9 का रेशियो का उसी रेशियो का इस फोन का स्क्रीन आपको दिया गया है। बट इसी प्राइस रेंज का दोस्तों M01 Core आता है सैमसंग का, उसमें इतने ज्यादा बेजल्स नहीं मिलते हैं आपको। एंड गाइस, आपको इस फोन में 720x1600 pixel का रिजोल्यूशन मिल जाता है। एंड दोस्तों, आपको डिस्प्ले टाइप VGA प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड वही व्यूइंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो अगर आप सीधा एंगल बनाकर देखते हैं तो आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। पर दोस्तों, जैसे ही आप फोन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, इधर उधर एंगल बनाकर देखते हैं, तो गाइस आपको साइनी साइनी सा स्क्रीन देखने को मिलेगा। लो बजट रेंज फोन है दोस्तों, उसी टाइप का डिस्प्ले भी लगाया गया है। बट दोस्तों, VGA प्लस की जगह आपको HD प्लस IPS डिस्प्ले दे देता तो काफी अच्छा होता, वो सैमसंग में आपको मिल जाता है M01 Core फोन में। देख सकते हैं ब्राइटनेस इसका काफी अच्छा खासा है। अगर आप धूप में भी रहते हैं, अंदर रहते हैं, कहीं रहते हैं, तब भी आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी इस फोन में मिलेगी। साइड रिव्यू कर ले तो फोन के राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, उसके ऊपर वॉल्यूम रखकर अप एंड डाउन। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग चीज इस फोन की मुझे देखने को मिली, फोन के ऊपर के साइड में आपको ऑक्स जैक और चार्जिंग पोर्ट दोनों ही ऊपर ही दे दिया गया है, जिससे काफी इजी हो जाता है फोन को और भी अच्छे से यूज करने में। एंड फोन के लेफ्ट साइड में कोई सेटअप नहीं, फोन के नीचे की तरफ आपको एक माइक्रोफोन दिया गया, फोन के पीछे की तरफ आपको एक स्पीकर दिया गया मीडिया साउंड के लिए। एंड फोन के फ्रंट में ऊपर की तरफ एक और स्पीकर दिया गया है कॉलिंग के लिए दोस्तों। एंड इसका जो साउंड है वो काफी अच्छा है, मतलब एवरेज आपको मिल जाता है। जिस तरह का ये फोन है आप सुनकर जज भी कर सकते हैं। वहीं
हार्डवेयर की बात करें तो आपको इस फोन में यूनिसॉक एससी 9863 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टा कोर एंड वही फ्रीक्वेंसी आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की इस फोन में मिलती है। वहीं दोस्तों सैमसंग का M01 कोर आता है, जो कि इसी बजट का फोन है। उसमें दोस्तों आपको सिर्फ क्वाड कोर का देखने को मिलता है प्रोसेसर, एंड फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है। तो अगर कंपैरिजन करें उन दोनों फोन में, तो इस फोन में आपको काफी अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, वहीं सैमसंग वाले फोन में आपको क्वाड का मिलता है, एंड फ्रीक्वेंसी भी कम है सैमसंग की 0.1 गीगाहर्ट्ज़ की। गाइस ये फोन 4G वोल्टेज सपोर्टेड है, एंड गाइस इस फोन में आपको रैम 2GB का मिलता है, एंड जो रोम है इंटरनल है वो आपको 16GB का मिलता है। बट बात करें फ्री स्पेस आपको इस फोन में कितना मिलता है, तो गाइस आपको 10.5GB का फ्री स्पेस इस फोन में मिलता है, क्योंकि दोस्तों 5.5GB जो स्टोरेज है वो सिस्टम स्टोर करता है। नाउ सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इस फोन में एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, एंड इसका जो UI है वो एंड्रॉइड गो के बेस्ड पे मिलता है। एंड्रॉइड गो एक गूगल का ही UI है दोस्तों, जो कि गूगल बनाता है 2GB रैम से कम वाले फोन के लिए। तो मतलब गूगल का फोन है तो गूगल के पॉसिबल एप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, गूगल के कॉल मैसेजेस और भी जो एप्स है, जैसे सिक्योरिटी डिजाइन आपको इस फोन में काफी अच्छी मिलती है। एंड गूगल का UI है तो इसका मतलब दोस्तों कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे, एंड कोई भी ब्लोटवेयर आपको इस फोन में नहीं मिलेगा, एंड अगर कोई बग्स आते भी हैं तो उसके लिए इस फोन में तुरंत ही अपडेट भी आपको मिल जाएगा। इसके UI में फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल वेलबींग के स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है, एंड गाइस डार्क थीम का भी ऑप्शन दिया गया है, एंड और भी डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग इस फोन में मिलता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एंड गाइस मैंने आपको कैमरा डिटेल तो दे दिया, पीछे 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। बट कैमरे मोड्स की बात करें तो आपको दोस्तों पैनारोमा मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मोड मिल जाता है, प्रो मोड, फिल्टर कई सारे मिल जाते हैं, QR मोड दिया गया है, एंड दोस्तों आपको इसमें नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपको फ्रंट कैमरे में भी नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है, एंड फ्रंट में भी कई सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे मोड्स में आपको HDR मिल जाता है, एंड दोनों ही कैमरे में AI सपोर्टेड है। एंड ये सारी कुछ शॉट्स है जो कि मैंने इसी फोन के कैमरे से ली है, एंड दोस्तों आप देख सकते हैं हर फोटो में सैचुरेशन काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो AI है वो काफी प्रॉपरली वर्क करता है। क्लिक करते टाइम इतना अच्छा आपको सैचुरेशन देखने को नहीं मिलता है, बट आफ्टर क्लिक जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, AI का वर्क होता है, वो होने के बाद काफी अच्छा फोटो आपको मिल जाता है। नेचुरल फोटो जैसे कि लीफ हो गए, वुडन हो गए, इन सब के फोटो में सैचुरेशन काफी अच्छा वर्क करता है। एंड दोस्तों डिटेलिंग्स भी इवन काफी अच्छी हर फोटो में देखने को मिल जाती है, जूम करने पे भी काफी अच्छा डिटेल आपको मिल जाता है। इस फोन के प्राइस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इस फोन का जो कैमरा है ना वो उम्मीद से ज्यादा अच्छा दिया गया है। फ्रंट कैमरे से ली गई शॉट्स में भी वही चीज आप देख सकते हैं, AI इसका भी काफी प्रॉपरली वर्क किया है। नॉर्मल में इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, बट आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा फोटो हो गया, एंड डिटेलिंग्स भी अच्छी देखने को मिल रही है। बैक कैमरे से थोड़ा डल है, बट काफी अच्छा है फ्रंट कैमरे के हिसाब से। एंड ये कुछ फोटोज हैं, आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड और नाइट मोड में अंतर, मतलब कि इस फोन का जो नाइट मोड है वो आप यूजलेस नहीं कह सकते, काफी इफेक्टिव रहता है। फ्रंट में भी नाइट मोड दिया गया है, वो भी थोड़ा लिटिल बिट इफेक्टिव है, बट फ्रंट में फ्लैश जब दिया गया है तो नाइट मोड का मुझे कोई यूज नहीं लगता, क्योंकि सेल्फी तो आप ऐसे ही खींचेंगे, तो नाइट मोड का उतना कोई यूज नहीं नजर आता है मुझे फ्रंट में। तो गाइस ये वीडियो रिकॉर्डिंग सिंपल में 1080p रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड करना है। सैचुरेशन की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट आपका वुड है या दोस्तों ग्रीन कलर का लीफ है, मतलब जो भी नेचुरल कलर है, उसके वजह से दोस्तों इसका UI जो है कलर को इन्हेंस करके काफी अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग बना देता है। एंड वहीं अगर मैं मूवमेंट में रहता हूं ना दोस्तों, तो काफी ब्लरी ब्लरी आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और जहां पे मैं स्टॉप होता हूं फोकस होकर ऑब्जेक्ट काफी अच्छा दिखने लगेगा। एंड ऑटो फोकस की अगर बात करें तो देख सकते हैं काफी प्रॉपरली वर्क करता है, हटाते ही ऑब्जेक्ट पीछे का बैकग्राउंड फोकस हो जाता है, मतलब इस प्राइस रेंज में भी ऑटो फोकस इतने अच्छे से वर्क करता है। गुड, तो गाइस ये वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल में 720p रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों फ्रंट कैमरे में 1080p रिजोल्यूशन नहीं दिया गया है। एंड गाइस इस समय बदरी का मौसम है, तब भी आपको इस लेवल का सैचुरेशन चेहरे पर आप देख सकते हैं, स्वेटर देख सकते हैं, एंड इस टाइप की डिटेलिंग्स आपको मिल रही है फ्रंट कैमरे से, वो भी बजट इस फोन का आप जान ही रहे कितना है, तो मुझे उस हिसाब से इस फोन का फ्रंट कैमरा माइंड ब्लोइंग लगा। एंड गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप सभी को अंदाजा भी लग जाता होगा कि इस फोन में कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। नॉर्मल यूज करेंगे तभी ये फोन बेटर, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। एंड अगर 16GB का रैम है तो आपको 10GB वैसे ही बस फ्री मिलता है, तो आप 7 से 8GB तक मतलब मेमोरी बस भरेंगे तभी ये फोन काफी अच्छे से वर्क करेगा। एंड दोस्तों वही M01 कोर है, इस फोन का परफॉर्मेंस M01 फोन के कंपैरिजन से काफी अच्छा है, तो गेम अगर आप इस फोन में खेलेंगे तो काफी अच्छा मिलेगा, मतलब इस प्राइस पॉइंट के व्यू से देखें तो इस फोन में आपको काफी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि कोई और फोन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में जो इस फोन से बेहतर परफॉर्मेंस दे दे। इस फोन की मैं रियलिटी बताऊं तो अगर आप फोन को नेट से कनेक्ट कराते हैं एंड आप 2-3 ऐप को यूज करते हैं, नेट मतलब जो नेट यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब या गाना का कोई ऐप हो गया, ये गेम हो गया, तो ये फोन फंसने लगेगा।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो एक समय पे एक ही चीज को यूज करिए तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। एंड गाइस चार्जिंग स्पीड की बात करें तो आपको इस फोन में 5 वाट का चार्जर दिया गया है एंड 3100 mAh की इस फोन में बैटरी दी गई है। एंड मैंने जब टेस्ट किया तो ये पाया कि आप इस फोन को फुल चार्ज 2.5 घंटे में कर पाएंगे, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट में आप इस फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे। आपको इस फोन में ब्राइटनेस सेंसर दिया गया एंड आप देख सकते हैं काफी अच्छे से प्रॉपरली वर्क भी करता हुआ मिला मुझे इस फोन का ब्राइटनेस सेंसर। एंड सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में फेस अनलॉक दिया गया है एंड पिन वगैरह तो आप लगा सकते हैं। एंड फेस अनलॉक काफी तेज है, ये नहीं कि फालतू फेस अनलॉक आपको मिलता है, फेस रिकॉग्नाइज होते ही तुरंत डिवाइस को अनलॉक कर देता है। तो गाइस बस इस फोन का इतना ही जितना मैंने एक्सपीरियंस किया आपको बता ही दिया, तो मतलब इस प्राइस रेंज में इस फोन से बढ़िया कोई परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं है। बट M01 कोर जो फोन है उसमें डिस्प्ले अच्छा मिलता है, बेजल्स कम मिलते हैं, तो ये सब थोड़ा अच्छा मिलता है M01 कोर फोन में। बट परफॉर्मेंस के लिए आपको जाना है तो आप इस फोन में जा सकते हैं, इस प्राइस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 5200 के रेंज तक। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, मेरा नाम है आदित्य, आप सभी देख रहे थे रॉयल टेक प्रो। जय हिंद, जय भारत।